जल संरक्षण देश के लिए एक अहम चुनौती है। जिस तरह से जल स्तर लगातार घट रहा है, ऐसे में पानी बचाना हम सभी के लिए जरूरी है। इसी कड़ी में अंबाला के गांव आनंदपुर जलबेड़ा के सुमित कुमार ने जल संरक्षण के लिए बेहतर कार्य किया। जल की बचत करते हुए उन्होंने लोगों को जागरूक किया। उनकी इसी कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर स्वतंत्रता दिवस पर जल ही जीवन मिशन के तहत 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुमित कुमार को सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर स्थानीय लोगों और सुमित के परिवार में खुशी की लहर है। सर, हमारे गांव में भी WSC कमेटी बनाई गई थी, जिसके तहत हमारे गांव में मीटिंग भी होती है, दफ्तर में मीटिंग होती है, जिसके सुचारू रूप से हम कार्य करते हैं। अपने ट्यूबवेल के मैं जल जीवन मिशन की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ कमेटी में, तो अपने ट्यूबवेल की सुचारू रूप से सप्लाई चलाता हूँ, उसके साथ क्लोरीन चलाता हूँ, ताकि गांव में साफ पानी जा सके और लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। जी, और किस तरह से आप जल रक्षा किस तरह करते हैं? सर, जैसे हमारे गांव में वेस्टेज पानी के लिए मैंने टूंटी लगवाई यहां पे, और जो भी खराब पानी आता था, वेस्टिंग पानी था, उसको मरम्मत समय पे करवाई। और यहां पे अगर मान लो मेरी 25 की मोटर है सर, वो 500 पर मिनट निकालती है वाटर को, तो सर उसके हिसाब से मैंने 6 घंटे सप्लाई देता था सर, तो हमने एक मुद्दा उठाया, अगर मैं 10-10 मिनट करके। सुमित कुमार ने बताया कि जब उसे पता चला कि 15 अगस्त पर उन्हें और उनकी पत्नी पूजा को दिल्ली बुलाया गया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, तो वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इसे अंबाला के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। अंबाला के लिए ये सम्मान मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। जल जीवन मिशन के तहत इस बार प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित हमारे डिपार्टमेंट का एक पंप ऑपरेटर किया जा रहा है, जिसमें सुमित कुमार और उनकी धर्मपत्नी को दिल्ली बुलाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। इसी विशेष उपलक्ष्य में आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुमित कुमार एक बहुत ही कर्मनिष्ठ और समझदार व्यक्ति होने के साथ साथ अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से करते हैं। जैसे ही अपने वो पंप को चलाते हैं, उसके साथ वो अपने एक बार डोजर में ब्लीचिंग चेक करते हैं, ताकि क्लोरीनेशन प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। इसके साथ चक्कर लगाते हैं, बीच के घरों में से सैंपल लेते हैं और एक आखिरी घर से सैंपल लेते हैं। अगर क्लोरीनेशन सही पाई जाती है तो उसको अपना सौभाग्य समझते हैं, अगर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी को उसकी सूचना दी जाती है। इसी के साथ साथ अगर कहीं गांव में लीकेज पाई जाती है तो उसकी भी संबंधित अधिकारी को सूचना देकर उस लीकेज को तुरंत ठीक करवा के उस त्रुटि को पूर्ण करने का अच्छा कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जब भी हम ग्राम सभाएं करते हैं, स्कूल की मीटिंग करते हैं, तो सुमित कुमार अपना कीमती समय वहां पे उपस्थिति देकर दर्ज करवाते हैं। साथ ही साथ खुली टूटियों को बंद करवाने के लिए अगर किसी ने मुंह उतार रखा तो उनको प्रेरित। सिंचाई विभाग द्वारा भी उनके दिल्ली जाने का विशेष प्रबंध किया गया है। ड्रेस कोड के मुताबिक उन्हें कपड़े भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उनकी पत्नी के लिए भी नीली साड़ी उपलब्ध करवाई गई है। वहीं सुमित की पत्नी और उनका पूरा परिवार इस सम्मान के लिए गर्व महसूस कर रहा है। पूजा ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए बेहतरीन योजनाएं बना रहे हैं, वो उनके कार्यों की सराहना करती है। अंबाला से सत्य खबर के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।